Hello friends, I am Dr. Kamla Padhyay. Today we will talk about Gymnophiona. So let's start. Gymnophiona is one of the order of class amphibia. तो हम पहले amphibia के बारे में जान लेते हैं एक brief में कि amphibians are those animals which can live in water as well as in land. तो ये उसी का ही एक order है. तो Gymnophiona हम इसे क्यों बोलते हैं? तो देखते हैं Gymnophiona का मतलब ग्रीक में होता है नेकेड एंड ऑफियोनियोस का मतलब है सर्पेंट लाइक. ठीक है, इसका मतलब ये नेकेड एंड स्नेक लाइक ये दिखते हैं. अब इसका दूसरा भी नेम है दैट इज़ अपोडा. ए मीन्स लेस, पोडा मीन्स लिम्स. तो मतलब जिनके लिम्स नहीं है. ठीक है, लिम्स से मतलब हाथ पैर नहीं है जिनके, दैट मीन्स. इसका एक और नेम दिया गया है दैट इज़ सिसिलिया. इसका सिसिलिया नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम सिसिलिया टेंटाकुलाटा, इसको फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किया और इसको टेक्सोनॉमिकली इसको डिस्क्राइब किया कार्लिनियस ने इन द ईयर 1758. तो इसी वजह से उस जीनस के नेम पे भी इसका नाम जो है सिसिलिया रखा गया है. ये मोस्टली जो है वेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलने वाले एनिमल हैं और इनका वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है ये है वो ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, ये श्रीलंका में पाए जाते हैं, ये नेपाल में मिलते हैं. दीज आर ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश, इंडिया, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एक्सेट्रा. ठीक है, और ये जो है मोस्टली दीज आर बोरोइंग एनिमल, लिम्बलेस बोरोइंग एम्फीबियंस विच आर आई ऑलरेडी टोल्ड यू फाउंड इन डैम ट्रॉपिकल एरियाज. ठीक है, इसके अलावा मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया के सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं. ठीक है, अच्छा आप देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है, शेप किस तरह का है और इसका साइज़ किस तरह का है. तो इसकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है और जब हम इसे देखें तो ये हमें कुछ वर्म लाइक दिखती है और साथ ही ये ईल की तरह भी दिखाई देती है. इट्स स्किन हैव न्यूमरस माइन्यूट कंसील्ड स्केल्स एक्सेप्ट इन साइफनोब्स. ठीक है, साइफनोब्स के अलावा सभी में क्या है, इसमें माइन्यूट स्केल्स पाए जाते हैं इसकी स्किन में. और इसके अलावा जो है इसकी स्किन जो है वो ट्रांसवर्सली अगर आप देखेंगे तो उसमें ग्रूव्ड, जैसे आपको एन्यूलाइट टाइप जैसे उस तरह का, जैसे आपको एनिलिडा में दिखाई देते हैं उसकी स्किन में, उसी तरह का इसमें भी कुछ दिखाई देता है. तो उसी को हम कह रहे हैं ट्रांसवर्सली ग्रूव्ड. और इसकी जो बॉडी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. सिसिलिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड एनिमल. तो इसका सिसिलिया नेम इस वजह से भी दिया गया है क्योंकि इसका मीनिंग इन लैटिन क्या है, सिकस मीन्स ब्लाइंड. अब हम देखते हैं कि इसका हेड रीजन किस तरह का है. आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं इसका नॉस्ट्रिल, रूडिमेंट्री आई और साथ ही साइट ऑफ प्रोट्रूसिबल सेंसरी टेंटिकल्स. तो जो इसका हेड है वो स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है एंड सॉलिडली बिल्ट विद बोनी स्कल. ठीक है, ये जो है बोनी स्कल का बना हुआ है. इसमें माइक्रोस्कोपिक आईज होती हैं, आईज या तो रूडिमेंट्री होंगी, ठीक है, या ओपेक होंगी, कवर्ड विद ओपेक स्किन. ठीक है, इस वजह से ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड एनिमल बोल रहे हैं. ब्लाइंड एनिमल क्यों है, क्योंकि इसका जो हैबिटेट जो इसका नेचर है जिस जगह पे ये रहता है, दैट मींस ये बोरो बना के रहता है तो वहाँ पे इसको अब आइस की ज़रूरत ही नहीं है. तो आइस जो है इसकी रूडिमेंट्री फॉर्म में होती है. आइस एंड नॉस्ट्रल के बीच में आपको अ पेयर ऑफ प्रोटोसिबल सेंसरी टेंटिकल्स दिखाई देता है जो कि हमेशा मॉइस्ट रहता है और इसका जो मॉइस्चर मेंटेन होता है वो हार्डेरियन ग्लैंड्स की वजह से होता है और इसका मेन फंक्शन है टेस्टिंग फूड. दिस इज द पिक्चर ऑफ इक्थियोफिश, मेल एंड फीमेल. दिस जीनस इज द रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ दिस ऑर्डर, दैट्स व्हाई द पिक्चर इज हियर. आप इसमें देख सकते हैं जो इनका स्ट्रक्चर है वो वॉर्म लाइक आपको दिखाई देता है. ठीक है, आप अगर मेल को देखें तो मेल के आपको हेड रीजन में दिखाई दे रहा है नॉस्ट्रल, आई एंड शॉर्ट
जो हेड है वो बहुत शॉर्ट है इसमें, और इसके पीछे आपको ट्रांसवर्सली ग्रूव्ड, आपको ये ग्रूविंग दिखाई दे रही है, जिसको रिंकल ट्रंक ट्रंक रीजन है ये इसका पूरा। और ये इसका लास्टली जो इसका पॉइंटेड टिप है वो टेल है। साथ ही आपको फीमेल इक्थियोफिश दिखाई दे रही है, आपको इसमें जो है इसका हेड रीजन कुछ वैसे ही है जैसा मेल में है। इसमें भी आपको हेड रीजन जो है वो बहुत शॉर्ट दिखाई दे रहा है, साथ ही नॉस्ट्रल सेंसरी टेंटिकल एंड आईज है। इसमें आपको कॉइलिंग दिखाई दे रही है और बीच में इसमें एग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स द फीमेल कैरी एग एंड ऑल्सो शो पेरेंटल केयर। द स्कल ऑफ जिम्नोफियोना आर कॉम्पैक्ट रूफ्ड विद बोन एंड लिम्स आर एबसेंट, दैट्स वाई द नेम गिवन एपोडा। Skin having grooving and transversely grooved with dermal scales. Then its tail, limb and fins all are absent. Also this tympanic cavity, tympanic membrane, columella all are absent. That's why it can't hear. इसी वजह से सुन नहीं सकता है. Let's see the reproduction. In Gymnophiona, sexes are separate, that means sexual reproduction is takes place, okay. But in case of male, during copulation the cloaca evolves out as a copulatory organ. So hum jaan le ki first what is cloaca and what is anus. So cloaca is a common cavity at the end of the digestive tract for the release of both excretory and genital products in vertebrates, while in case of anus, and from anus is the pore from where only excretory product comes out, ठीक है। तो that means cloaca क्या है, जहाँ से कि excretory product plus genital products भी बाहर निकले, और anus हुए जहाँ से सिर्फ excretory product बाहर निकलते हैं। Fertilization जो है इसमें internal होता है and female lay large eggs near moist ground, और साथ ही पेरेंटल केयर भी इसमें देखने को मिलता है इन एनिमल्स में, एंड द पेरेंटल केयर ओनली शोन बाय द फीमेल्स। और जिम्नोफियोना जो है वीवी पेरस भी हो सकते हैं एज वेल एज ओवो वीवी पेरस। सो वीवी पेरस किसको बोलेंगे, विच ले ओनली एग्स, उसके बाद उसमें से जो है यंग वंस निकले। और ओवो वीवी पेरस उन्हें बोलेंगे जो कि बॉडी के ही अंदर ही एग से हैचिंग होने के बाद यंग वंस बॉडी से बाहर निकले, तो हम उसको बोलेंगे ओवो विवीपेरस, ठीक है। और जो इसकी लार्वल स्टेजेस है वो एग में ही पास हो जाती हैं, और साथ ही जो इसके लार्वा है इट बेयर्स थ्री पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स विच आर डिसअपीयर व्हेन इट हैच्ड। जब ये हैचिंग हो जाएगी इसमें तो उस टाइम पे ये गिल्स जो है इसमें से गायब हो जाते हैं। और साथ ही इसका फूड जो है इट फीड ऑन स्मॉल वॉर्म्स एंड स्मॉल वर्टिब्रेट्स, एंड द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोफियोना आर इक्थियोफिश एंड यूरियो डिफ्लस। लेट्स सी द एफिनिटीज ऑफ जिम्नोफियोना। सो द एफिनिटी ऑफ जिम्नोफियोना इज विथ एम्फीबियंस। हियर इज सम सिमिलैरिटीज ऑफ जिम्नोफियोना विथ एम्फीबियंस, एंड दीज आर द कैरेक्टर्स लाइक बोथ आर कार्निवोरस, both skin is soft, both can live in burrow, the hibernation character is same in both, and both can live in water, okay. And next is exoskeleton is absent in both amphibia as well as in gymnophiona. The other similarity of gymnophiona with amphibia is external gills are present in both, ओके। जैसा हमें पता है कि एक्सटर्नल गिल्स इन केस ऑफ जिम्नोफियोना उसके लार्वल फॉर्म में मिलती है। बोथ शो पेरेंटल केयर, दोनों में पेरेंटल केयर होता है। नेक्स्ट है इन बोथ नॉस्ट्रल प्रेजेंट इन हेड रीजन, जैसा कि हमने देखा उसके हेड रीजन में जो है जिम्नोफियोना में नॉस्ट्रल्स हैं और एम्फीबिया में भी नॉस्ट्रल्स मिलते हैं। नेक्स्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड ट्रंक एंड टेल, दोनों की ही बॉडी जो है तीन रीजन में डिवाइड है, दैट इज हेड ट्रंक एंड टेल। बोथ आर ओवीपेरस एंड वीवीपेरस, ठीक है, ओवीपेरस भी हैं वीवीपेरस भी हैं। सेक्सेस आर सेपरेट इन बोथ एंड आईज आर प्रेजेंट विदाउट आईलिड इन बोथ एम्फीबिया एज वेल एज इन जिम्नोफियोना। लेट सी द डिफरेंसेस ऑफ जिम्नोफियोना विथ एम्फीबियंस। सो द कैरेक्टर्स आर लाइक जिम्नोफियोना आर स्नेक लाइक वाइल एम्फीबियंस आर नॉट।
In case of Gymnophiona, tail is very short and reduced, while such type of character is not found in amphibians. Next character is amphibians having teeth, while Gymnophiona they do not. Next is Gymnophiona do not have limbs, that's why they are called as apoda, while in case of amphibians they are tetrapod. Next is a skull bone. The skull of Gymnophiona having dermal bones, while in case of amphibians bones are not dermal, they are epidermal. Next character is tympanum is always absent in case of Gymnophiona, that's why they can't hear, while tympanum is prominent in case of amphibians. Next character is eyes are reduced in case of Apoda or Gymnophiona, that's why they are called as blind animal, because they do not need eyes as they are boring animals. But in case of amphibians, eyes are well developed. So these are some similarities and differences of Gymnophiona with amphibians. So there are some other affinities. Some believe that Gymnophiona they belongs to or they show some resemblance and differences with reptiles. But as far as the advancement in science, their relationship with amphibians is well established. So friends, this is all about Gymnophiona. I hope this lecture will help you. For more videos, please subscribe this channel. Thank you.